वेलकम टू एक एम सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास इलेवंथ की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है मदर्स डे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूजर नेम आप सभी के सामने है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज मिसिस पियरसन डिफरेंट फ्रॉम मिसिस फिट ओके सो मिसेस वाज़ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग इन हर ठीक है काफी प्लेजेंट थी लेकिन थोड़ी सी मतलब वरीड रहती थी मिसेस फिटिल्ड वॉज ओल्डर हैवियर एंड स्ट्रोंग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी काफी ज्यादा वो बड़ी भी थी हैवियर भी थी स्ट्रोंग भी थी मिसेस पियर्सन वॉज सॉफ्ट स्पोकन विद अ टच ऑफ सबर्बन वाइल्ड मिसिज हैड अ डीप वॉइस विद आयरिश ठीक है एक्सेंट ये हो जाएगा हाउ डस मिसिस फिट प्लान टू द फैमिली ऑफ मिसिज पियर्सन किस तरीके से वो मतलब प्लान करती हैं? ठीक है सेुकड लाइक मिसिस फिटजिल्ड एंड मिसिज फिटजिल्ड इन द बॉडी ऑफ मिसिज पियर्सन डेल्ट विद द फैमिली वेरी स्टर्नली काफी अच्छे से उन्होंने डील किया फिर उसको हाउ डिड द मेंबर्स ऑफ द क्लब यूज टू ट्रीट जॉर्ज पियरसन कैसा व्यवहार होता था सो द मेंबर्स ऑफ द क्लब यूज टू कॉल जॉर्ज पियरसन पॉम्पी ओम्पी पियरसन बिकॉज दे यूज टू थिंक दैट ही वॉज स्लो एंड पोम्पस फिर है वॉट एडवाइस डिड मिसिज फिट जिलर्ड गिव टू एनी कैसी एडवाइस मिलती है सो मिसिज फिट जिलर्ट वॉज अ वेरी बोल्ड एंड डोमेटिंग इन नेचर फैमिली जानती थी भाई कैसे फैमिली के लोगों को कंट्रोल करना है बॉस इन हर फैमिली और एक बॉस की तरह रहू ऐसा वो बताती है फिर है मिसिस एनी पियर्सन एंड मिसिस फिटिल्ड आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर इन देयर एटीट्यूड दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल अपोजिट है हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है उनकी पर्सनैलिटीज के बीच में सो मिसिज एनी पियर्सन इसमें सिर्फ सॉफ्ट स्पोकन एंड वीअर्स वरिड लुक काफी डरी हुई सी काफी प्यार से बात करती हैं और एक स्लेव की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होता है ओके एक मदर और वाइफ की तरह नहीं होता एक स्लेव की तरह उनकी फैमिली में ऐसा ट्रीटमेंट होता है उनके साथ बट मिसेस इज अ वेल इन मेनी आर्ट्स बोल्ड स्ट्रोंग काफी ज्यादा मजबूत लेडी हैं और उनको पता है कि लोगों को कैसे समझाना है कि लोग उनके साथ अच्छे से बिहेव करें एनी ड वॉन्ट टू हर्ट पीपल एनी नहीं चाहती थी कि, कि किसी को हर्ट हो बट मिसेस इज विलिंग टू टेक एनी स्टेप टू डिसिप्लिन पीपल इवन इफ इट हर्ट्स देयर फीलिंग्स लेकिन मिसिस फिजिलार्ट नहीं डरती थी अगर डिसिप्लिन बनाने के लिए कुछ करना है चाहे बेशक से अगले को बुरा लगे

अब ऐसे में वो डोरिस एंड सीरियल क्यों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक तो वो स्मोकिंग कर रही थी जो कि कभी उन्होंने की नहीं थी कार्ड खेल रही थी जो कि कभी भी नहीं होता था शी हैड नॉट कैरीड आउट एनी ऑफ द वर्क कोई काम नहीं कर रही थी ठीक है कोई आयरन नहीं कर रही थी कपड़ों पे द चिल्ड्रन थॉट दैट आइदर शी हैड हिट हर हेड सो बैडली लोग मतलब बच्चे उनके ये समझ रहे थे कि कहीं सर तो ना टकरा गया कि दिमाग विमाग खराब हो गया हो ठीक है पागल तो नहीं होगी ये हो रहा था डिस्क्राइब जॉर्ज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिस्स वाइफ कैसा एटीट्यूड था जॉर्ज का हाउ इज ही टॉट अ लेसन बाय मिस फिर कैसा एक उनको लेसन मिलता है फिर फिर से सो जॉर्ज मेल ईगो वाला था काफी ज्यादा डॉमिनेंट था ओके एंड वेन ही कम्स टू नो दैट हिज वाइफ हैज नॉट कैप्टी रेडी फॉर हिम वेदर ई नीड्स इट और नॉट she should have kept his tea ready like an obedient servant नौकर की तरह चाय सामने मिलनी चाहिए थी अगर उनका मन हो चाहे ना हो he is always at the club at night रात में क्लब पार्टीज थोड़ा ही टाइम अपनी वाइफ को देता था after exchanging her personality with any mrs fitzgerald ridiculous him saying that he has become a standing joke for the people at the club

ही लैक्स एनी कंसर्न फॉर हिज मदर एंड ट्राइज टू शो दैट ही इज अजी मैन बायिंग एट आवर्स अ डे भाई अपनी मम्मी की कोई टेंशन नहीं होती थी हमेशा ये दिखाता था वो कि वो बिजी है उसके बाद आगे है देन लेट मी डू इट यहाँ पे वॉट डिड मिस फिज वॉन्ट टू डू क्या करना चाहती थी वो सो एनी गॉट मिजरेबल ट्रीटमेंट एट होम एनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था और फैमिली ट्रीटेड हर shabbily, बहुत बुरी तरह से उनके साथ ट्रीट होता था स्लेव की तरह बट एनी कूडेंट इवन रेजर वॉइस वो अपनी आवाज तक नहीं उठाती थी लेट अलोन टीच हर फैमिली लेसन मिसिज फिट फिट केयर फॉर हर मिसिज फिट को काफी टेंशन होती थी ठीक है कि ऐसा क्यों हो रहा है वो भी चाहती थी कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए यार उन्हें भी सो शी सजेस्टेड दैट इफ एनी कुड नॉट हैंडल देम देन शी वुड टीच देम अ लेसन बाय टेम्परेरली चेंजिंग द बिहेवियर और वो कहती हैं कि वो अब इनको एक सबक सिखाएंगी इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है कुछ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद